टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज में अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स हमारे डिसीजन मेकिंग को और भी ज्यादा स्मूथ एंड क्विक बना देते हैं, जिससे हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में आसानी मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ट्रेंड इज योर ओनली फ्रेंड, और जिसने भी इस ट्रेंड के साथ फ्रेंडशिप कर ली तो उसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेडर्स के इसी फ्रेंड की बात करेंगे। किसी भी स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो मैनुअली ट्रेंड लाइन की हेल्प से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ट्रेंड क्या है और आप मैनुअली कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, इसका लिंक मैं आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो आज बात करते हैं कि कैसे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की हेल्प से आप सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सुपर इजी एंड सुपर पावरफुल इंडिकेटर है। इसे यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है और सिर्फ एक क्लिक से ही आप स्टॉक के सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को चार्ट के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको ग्रीन एंड रेड कलर की दो लाइन नजर आएंगी। रेड कलर की लाइन का मतलब है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और ग्रीन कलर की लाइन का मतलब है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड के बारे में ही बताता है, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। ऐसा नहीं है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प नहीं करता, लेकिन इसकी एक्यूरेसी स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। आई होप आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि आप कैसे इसकी हेल्प से लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर तो सुपर ट्रेंड ग्रीन है तो आपको स्टॉक्स को लॉन्ग करना है, और अगर सुपर ट्रेंड रेड है तो आपको शॉर्ट करना है। लेकिन कुछ भी करने से पहले आपको मार्केट से कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन का मतलब है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस स्टॉक में आप ट्रेड करने जा रहे हैं कि वो साइडवेज तो नहीं है। अगर वो स्टॉक साइडवेज है तो आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होने वाला है, क्योंकि उस स्टॉक का प्राइस ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे आएगा। अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन सिग्नल दे रहा है और आप किसी स्टॉक को लॉन्ग करने वाले हैं तो आप अभी जिस कैंडल पर हैं आपको उसकी अगली कैंडल के बनने का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल के लो पर होगा। सिमिलरली अगर सुपर ट्रेंड रेड सिग्नल दे रहा है और आप स्टॉक को शॉर्ट करने वाले हैं तो आपको नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल या फिर करंट कैंडल के लो को ब्रेक करती है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक पूरे तरीके से डाउन ट्रेंड में है और आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं। जब आप किसी स्टॉक को लॉन्ग कर रहे होंगे तो आपको तब तक अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है जब तक उस स्टॉक का प्राइस आपके डिसाइडेड टारगेट तक ना पहुंच जाए या फिर सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड सिग्नल ना देने लग जाए। ऐसा करने से आपको दो फायदे होंगे, एक तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे और दूसरा आपके सेंटीमेंट्स आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज 30% स्ट्रेटेजी एंड 70% साइकोलॉजी, और इस तरीके से आप अपने साइकोलॉजी पर भी अच्छे से वर्क कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँगा। आपकी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।